नमस्कार न्यूज 18 महानगर को स्वागत करुछि मिति स्मृति। लव एंड मर्डर प्रेमिकार प्राण नेला पिशाच प्रेमिक, तंटी चिपी हत्या करिबा परे डेड बॉडी फिंगी देला नईरे। कटकर नर्स निहारिका पात्र हत्याकांड पक्षर एक चांचल्यकर खुलासा करिछे पुलिस। प्रेमिकार किशोर अंचल ओरफ राजा ही प्रेमिका निहारिकांको हत्याकारी पुलिस स्पष्ट करिछंती जगतसिंहपुर एसपी। एसपी कहिछंती ए जघन्य हत्याकांडरे केवल एकुटिया राजा ही संप्रुक्त। कटक चावलिया कंजरे रहुथिबा सांगर भड़ा घरे निहारिकांको तंटी चिपी मारिबा परे डेड बॉडी बाइकरे होइनै घर पाख बिलुआखाई नईरे फिंगी देइथिला राजा। डेड बॉडी स्थानांतर बेलर सीसीटीवी फुटेज पुलिस पाइछि बोली कहिछंती एसपी। जगतसिंहपुर हाजीपुर किशोर अंचल ओरफ राजा मैट्रिमोनियल साइट्रु नर्स निहारिकांको प्रेमरे पड़िथिला। भुवनेश्वर उपकंठ भिंगारपुरर निहारिका पात्र चाकरी करुथिबा कटकर घरे हस्पिटालरु नियमित जांच करुथिला राजा। उभयंक भितरे प्राय 5 वर्ष थिला प्रेम संपर्क, तेबे राजा कोनोसी चाकरी करुनथिबारु ताकु नै दुहिंक भितरे अनेक समय रे झगडा हेउथिला। दुहिंक विवाह पई दुई परिवार आगेबा बेले एहाकु विरोध करथिले निहारिका। एसपी कहिछंती गत 8 तारिखरे हस्पिटालरु निहारिकांकु चाउलियागंज सांग घरकु डाकी नै जाइथिला राजा। सही दिन रातिरे पूरी दुहिंक भितरे होइथिला प्रबल जुक्ति तर्क। उत्तेजित होइ राजा निहारिकांक तंटी चिपी हत्या करथिला बोली कहिछंती एसपी आर प्रकाश। राताराती डेड बॉडी को बाइक रे लदि नै निज गां बिरिडी पाख बिलुआखाई नदी रे फिंगी देथिला राजा। ए विभत्स हत्याकांडर टिक टिक फर्द पुलिस आगरे खोलिछि अभियुक्त राजा। हत्याकांड परे निज घर हाजीपुर को पळाइथिला राजा। 9 तारिख रे निहारिकांक निखोज हेबा नै परिवार लोके मधुपाटना थाना रे अभियोग करथिले। यार 4 दिन परे 13 तारिख रे राजा को बिरिडी थाना को आनी जेरा करथिला पुलिस। जेरा हेबा परे भय रे राजा पळाइथिला विजयवाड़ा। बापा भाई को पुलिस अटक रखी 2 दिन जेरा करबा परे बाध्य होई पुलिस हाथ रे धरा पड़थिला राजा। सतरा तारीख अमर बिरिडी पुलिस स्टेशन एरिया रे गोटे डेड बॉडी बाहर था अनआइडेंटिफाइड फीमेल डेड बॉडी रो बिरिडी पुलिस स्टेशन एरिया बेलुआकाई नदी रे गोटे प्लास्टिक गनी बैग रे हाथ बांधिकी जोटा पैक्ड कंडीशन सेमी बाहर स्कंडिंग जोटा अक्यूज्ड राजा अलैस किशोर अंचल को काली धरले और ता विरोध रे आम पाखे सब एविडेन्स अच्छी सीसीटीवी फुटेज अच्छी एमएम नर्सिंग होम रु आम आनी और से जियो को से घटना दिन रे 8 तारीख संध्या 4:50 पर 4:53 एक्जाक्टली से नहीं गले गोटे रेड एंड ब्लैक जोटा होंडा शाइन मोटरसाइकिल निज गाड़ी रे नहीं गले और तार फ्रेंड रे गोटे घर अच्छी रेंटेड घर अच्छी चौलियागंज रे सेठी नहीं गले पुनी मर्डर है पर से राति निज मोटरसाइकिल गोटे प्लास्टिक गनी बैग रे पैक करी पिलियन बांधिला से डेड बॉडी को परे नहीं आसिकी आमर बिलुआकाई नदी रे सेटा डिस्पोज ऑफ करथिले। से भी कन्फेस कर विषय रे जोड़ा डिसीज को केमिति मर्डर कला केमिति पैकिंग कले गनी बैग रे केमिति जोड़ा मोटरसाइकिल आनिले से विषय रे से कन्फेस कर सेटा तरह कन्फेसन स्टेटमेंट रे लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट रे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में रेकॉर्ड कर आज ही से फॉरवर्ड। अंतर्जातीय बेलाभूमि सफे दिवस रे पुरी रे विश्वस्तरीय मो बीच कार्यक्रम 100 किलोमीटर बेलाभूमि सफे कार्य रे शामिल होइतिले 10,000 रु अधिक स्वेच्छासेवी। 100 लोकेशन रे करा जाइतिला सफे। मो बीच कार्यक्रम को सफल करबा को शामिल होइतिले बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जमवाल एवं अभिनेत्री नंदिता दास। पुरी को बुलिबा को आसीथिबा विदेशी पर्यटक ओ इंडो जापान फ्रेंडशिप सेंटर रो अनेक जापानी पर्यटक भी कार्यक्रम रे शामिल होइतिले। अंतर्जातीय बेलाभूमि सफे दिवस रे पुरी रे विशाल कार्यक्रम। सकाळ 6:00 रु बेलाभूमि रे जमी थिला भिड़। बाली रे वरुण देवता को आवाहन सह महोदधि को वेद पाठ करी पूजा करथिले वेद विद्यार्थी। तापरे आरंभ होइथिला सफे। हातरे ग्लोव्स और सांगरे जरी ब्याग धरी सफे कामरे लागी पड़िथिले स्कूल पिलांक ठारु आरंभ करी स्वेच्छासेवी और पर्यटक। 100 किलोमीटर बेलाभूमि रे एककालीन चलीला सफे सामिल होते 10,000 रु अधिक भलंटीयर। पुरी रु कोणार्क अस्तरंग ब्रह्मगिरी सबुठी चली सफे।
ड्रोन क्यमेरा द्वारा होता सफेर सुटिंग एलसीडी स्क्रीन रे सबु स्थान रे सफेई कार्यक्रम देखा मिली मोबीज कार्यक्रम एभली सफेई अभियान विश्व प्रथम महोदधि हेउछि मां लक्ष्मी बाप घर और जगन्नाथ संस्कृति सह जड़ित तेणु एहाकु सफा रखिबा समस्तंकर दायित्व बोली वार्ता देछंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नो पल्यूशन नो पॉलीथिन और नो प्लास्टिक वार्ता नहीं बालुकाकड़ा करा जायथिला। पुरी को बुली आसिथिबा विदेशी पर्यटक मध्य एथिरे शामिल होइथिले। बेलाभूमि जो सफे अभियान ये आज नुह बहुत पूर्व काल चली आसी ये जिनस मानते प्रथम निच्छुक प्रमाण देखिए आप समुद्र आलती शंकराचार्य मठ तरफ कर प्रत्येक दिन समुद्र आलती से प्रत्येक दिन आम कि जो स्थान आलती हो स्थान को प्रत्येक दिन परिष्कार कर And I love this beach. And today is clean, I like so. Today is very hot, but I think it's still very clean the beach because it cleans the beach very hot, feels happy. Sokalu 6:30 ru 7:30 porjonto chalila safai. Safai sariba pare mo beach ku nei होइथिला मानव श्रृंखल अभियान को सफल करिबा पई लोकों को सचेतन करिथिले बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवेल एवं नंदिता दास। मो बीच अभियान रे अस्तरंग ओ कोणार्क रे मत्स्यजीवी ओ गां लोकों सह सामिल हेबा सह एहाको स्वागत योग्य पदक्षेप बोली कहिथिले जंगल ओ परिवेश मंत्री। अंतर्जातीय बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक बालुका कला रे नो प्लास्टिक थीम रे 60 फुट रो कलाकृति करी सचेतनता सृष्टि करी छंती। इस तरह के तीन घटक के साथ में कहीं कोई इवेंट नहीं हुआ होगा बीच की क्लीनिंग पे, तो हम चाहेंगे कि अप्लाई करेंगे पोस्ट इवेंट जो भी कैटेगरी होता है वेदर लिम्का का हो या गिनीज का हो उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए रिकग्निशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ काम है एक्चुअल में काम करना सफाई करके दिखाना लोगों में चेतना फैलाना। आज हजार हजार संख्या रे पूरी अंचल जनसाधारण बुद्धिजीवी छात्र छात्री एवं बहु सरकारी कर्मकर्ता जनप्रतिनिधि जोग देती आशा करी निश्चित भाव ये एक साधु उद्यम। सिर्फ साफ करने की जरूरत है उससे ज्यादा गंदा नहीं करने की जरूरत है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं स्पेशल कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इतने बड़े पैमाने पे इस टाइम का काम हो रहा है। एटा गुट भलो एग्जांपल ता माने नुहे आमे जदी खाली टोकनिज्म करी कि एई 900 मीटर्स को भलो रखिबा तापर जहां सेठी अन्य जगह रे जहां हो सेमती होबा कथा नुहे। एटा गुट मॉडल बीच माने एटा को रोल आमे मानिबा जे एटा गुट भलो एग्जांपल एमती आमे सारा ओडिसा रे सारा भारत रे सारा पृथ्वी रे काही कि न करिबा। मो बीच मेगा बीच क्लिक बेलाभूमि सफा रखिबा पई पुरी रे एक कुनी छियो समस्तंकु शपथ पाठ कराइछंती। लक्ष्य विश्व रेकर्ड नुहे विश्व ऐतिह्य सहरर आध्यात्मिक बेलाभूमि को परिष्कार रखिबा। पुरी रो कैमरामैन संजय अमरेंद्रंक सह अखे मिश्र न्यूज 18 ओडिया। कटक बीएसएनएल रो मुख्य भवन रे अग्निकांड परे एबे मोबाइल सेवा संपूर्ण रूपे व्याहत। केवल जे मोबाइल सेवा नुहे इंटरनेट और अन्यान्य व्यवस्था मध्य एक प्रकार ठप जहाँफल आज कटक आखपाख जिला मानक समस्त बीएसएनएल उपभोक्ता समस्त सेवार वंचित रही तेरे मुख्य ट्रांसफर्मर जोड़ी पोड़ हो जाइवर संपूर्ण व्यवस्था स्वाभाविक होगा आहरी 2-3 दिन लगे कटक बीएसएनएल भवन मुख्य केवल जलि पाउश पोड़ी जाइछि ट्रांसफर्मर। शुक्रवार कटक बज्रकवाटी रोड रे होइथिबा भयानक अग्निकाण्डर परवर्ती दृश्य नियार आरएस सबकिछि छारखार होइ जाइथिया बेले बीएसएनएल सेवा व्याहत होइछि। कटक समेत 9 जिल्लारे मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रभावित होइछि। किछि जिल्लारे सेवा पूरा ठप होइ जाइछि। एमितिकि किछि एटीएम रे इंटरनेट नथिबारु लिंक फेल अछि ফলে লোকে নাহি নথিবা হৈরাণ হৈছন্তে। হ্যাঁ, সমস্যা তো নিশ্চয় বহুত সম্মুখীন আমি হোচু।
କାଲି ବି ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା ନା, ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିବା ଆଉ। କଟକ BSNL ଭବନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା 9 ଜିଲ୍ଲାର 2500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ତେବେ କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ BSNL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଯେଉଁଟାକ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିଛୁ। ଫୋନି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ BSNL ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ସେବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଇଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେବା ସବୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 12:30 BSNL ଭବନର ଉପର ମହଲାରେ ଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ 2-2 ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିର ରଘୁନାଥ ଗୁରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ VIP ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2,04,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଏକ ଥଳି ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। VIP ରୋଡ୍ର ବୁଲେଟ୍ ଶୋରୁମ୍ ନିକଟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ଥଳିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଲେନ୍ ନିକଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ CPH ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିଲା, ହେଲେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଦେବାକୁ କହି ଚୁପ୍ ବସିଛି CPH ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଲୁଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ସକାଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ CPH ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବେଳାଭୂମିରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ନ ଦେବାରୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଘରୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ରିଜର୍ଭ 100 ଟଙ୍କା ବିଲ 10 ଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଜଳେ 2,500 ଦେଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକିରି ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ କାମକୁ। ଆମ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ଶୋରୁମ୍ ହେଇଛି ସେ ଶୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ଟୋକା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆସିକି ମୋ ଆଗ ଗାଡ଼ି ପରେ ମାଡ଼ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ମାଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, କହୁକୁ ମୋତେ ପଛକୁ କହୁଛି ଟଙ୍କା ତ ମୋ ବିଲ୍ ମିଳିଲେ ଝାଡ଼ଶୁଳି ଗଳିବ ତ ସେ ପଶିଗଲୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଶିଗଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଏଁ ଗଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁନୁ। ଫେରିତୁନୁ ଆସିକି ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାକୁ ଗଲିକି ଆମର କୁମା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେଠି ସିଏ ଗଲେ ସିଏ ଆମ କେସ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ CBI ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ସାର୍ ଗଲେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିକି ସାର୍ ଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବସିଗଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦର କାରଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ କଲେ ଅବଗତ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। ଆୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଥିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଧାରା 370, ଏହି ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶରେ ଏହା କେତେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା, ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଦେଶର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଧାରା 370 ଓ 35A ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ BJP ପକ୍ଷରୁ 405 ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଧାରା 370 ଲାଗୁ କାରଣରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ମାନବ ଅଧିକାର, ମୋଟ ଉପରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥିବା ମତ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ BJP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ କିଛି ଲୋକେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପଦ୍ଧତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବ କଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। କାଶ୍ମୀର କେ ବିକାଶ ମେ କିସ ତରହ ସେ ୟେ ବାଧା ବନି, କିସ ମାର୍ଗ ସେ ଇସେ ହଟାୟା ଗୟା,
और इसका हटाना क्यों कर कश्मीर और देश दोनों के लिए श्रेयस्कर लाभदारी है लाभदायक है, ये विषय पर विस्तार से सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं मानता हूँ कि इस अभियान के तहत जो देश भर में कार्यक्रम हुए हैं उनके माध्यम से देश भर में लाखों लोगों के बीच में इस विषय की स्पष्टता और बढ़ी है। बारंबार कोतले यूएन में मॉनिटर हो रहा है, ये पीओके की बात क्या है, गृहमंत्री स्पष्ट रूप से कहते क्या आप चाहते हैं कि यूएनओ हमारा हिंदुस्तान का आंतरिक समस्या में मॉनिटर करेगा, क्या आप चाहते हैं? एकता भी कोई थे जब हम कश्मीर की बात करते हैं इसके अंतर्गत पीओके और अक्साई चीन भी आता है। अभी सर आमर राय स्पष्ट देख कश्मीर आमर थिला अच्छी एवं रहिबो अब जहाँ बाहर अच्छी भले आसला आसो ना पुणी शक्ति प्रयोग हम 2021 डिसेम्बर में इसरो मानव मिशन ता पूर्व दुईट मानव विहीन मिशन हे 2021 गगनयान मिशन संपूर्ण होती इसरो अध्यक्ष के शिवन अरुकुल भुवनेश्वर आईआईटी अष्टम समावर्तन उत्सव में जोगद शिवन कहते जीवन में सफलता रिस्क ने उत्सव में मोट 360 जन को डिग्री प्रदान कर चंद्रयान दुई पर भारत पर गगनयान मिशन बेस गुरुत्वपूर्ण गगनयान देशर विज्ञान और कारीगरी कौशल को आहुरी शक्तिशाली कर 2020 डिसेंबर में प्रथम मानव विहीन मिशन कार्यकारी कर इसरो 2021 जुलाई में आउ एक मानव विहीन मिशन हेब 2021 डिसेंबर में गगनयान मिशन होसरो अध्यक्ष के शिवन खोर्धा अरुगुल आईआईटी अष्टम समावर्तन उत्सव में जोगद इसरो अध्यक्ष शिवन कहते निकट में सरी चंद्रयान दुई में मिली 98% सफलता चंद्रयान दुईर दुईट मुख्य लक्ष्य था विज्ञान और कारीगरी कौशल विज्ञान 100% एवं कारीगरी कौशल पखापाखि 100% सफल हो चंद्रयान दुई अर्बिटर ठीक भाव कम कर 7.5 वर्ष पर्यंत कम करमको नुआ नुआ तथ्य जोगाइब लैंडर विक्रम त्रुटि नहीं अनुसंधान चली शिवन आईआईटी छात्र छात्री को जीवन आदर्श पाठ पढ़ाई शिवन कहते जीवन में उद्भावन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही सबकि पाई हुए ना हरबारे लुचि थाए पाइबार आशा सफलता रिस्क ने पड़ो छात्र छात्री को परामर्श दे इसरो अध्यक्ष The second unmanned human space flight we are targeting for July 2021 and by December 2021 the first Indian will be carried out by our own rocket. They will be lifted from Indian soil and they will go to space by December 2021. People who are afraid will never make any initiatives and they will never take any risk in their life. Yes. There is a chance that you will fail. However, if you don't take the risk, there is chance of never achieving anything significant in life. IIT समावर्तन उत्सव रे मोट 360 जन को डिग्री प्रदान कर जाय छे 3 जन को स्वर्ण 15 जन को रौप्य पदक प्रदान कर जाय छे सेरेमोनियल पैरेड रे मंच को आसी छात्र छात्रन को उद्बोधन देथिले शिव रॉकेट मैन को पाखरे देखि छात्र छात्री बेस उत्साहित होइ छनते शिवन का प्रतिटि शब्द बेस प्रेरणादायी बोली कहिसंती आईआईटीआर चेयरमैन इसरो के विजिटेड आईआईटी भुवनेश्वर एंड ग्रेस्ड द ओकेजन एज चीफ गेस्ट ही डिलीवर्ड द कन्वोकेशन एड्रेस वेयर ही इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स एज वेल एज एवरीबॉडी एल्स एट द कन्वोकेशन तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात थी कि मैं उनसे प्राइज लूंगा क्योंकि जब चंद्रयान 2 सफल हुआ तो उसके बाद इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू शेयर द प्राइजेस फ्रॉम हिम टेक द प्राइजेस फ्रॉम हिम सो और वो हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन है हमारे पूरे मतलब इंडिया का नाम रोशन किया है दुनिया के सामने समावर्तन उत्सव में ओडिशा कला और संस्कृति झलक देखा मिलता डिग्रीधारी छात्र छात्री खदी वस्त्र और संबलपुरी उत्तरीय पकाइ समावर्तन उत्सव को आसी भुवनेश्वर कैमेरामैन सुश्री सुलोचना निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया एबे देखिबा दुर्गा पूजा प्रस्तुति को नहीं आमर स्वतंत्र विभाग आसुचंती मां पार्वण पाई चली प्रस्तुति जलचंचल पूजा मंडप सूर्य तोरण सांग को भली की भली साजसजा मां दुर्गा आवाहन पर सबुठी उत्साह पूजा मंडप्रे एक प्रकार अघोषित प्रतियोगिता केमिति हेबो तोरण ताकु नहीं व्यस्त कारीगर
दुर्गा पूजा को नहीं आम स्वतंत्र विभाग में देखा नयापल्ली एवं बमिकाल पूजा मंडपर प्रस्तुति माँ दुर्गा आवाहन पर सबुठ उत्साह चलचंचल पूजा मंडप काम लगी कारीगर हाथ में आउ मात्र दिन कईटा निर्धारित समय शेष होब कम कारण वर्षक व्यवधान में माँ आसुंट धराधाम को जगत जननी आवाहन पर चलचंचल पूजा मंडप प्रतिथर किसी भिन्न करुवा नयापल्ली पूजा मंडपर एथर गुजरात पद्मावत प्यालेस रे पूजा पाइबे देवी दुर्गा प्लाय एवं कपड़े प्रस्तुत होब तोरण एने काम लगिपड़ी 30 कारीगर एथर आम गुजरात पद्मावती प्यालेस कर ये तो कम चल बर्तमान आम 30 जन कारीगर आसी कम कर आमर से कहते षी पूर्व आमको हैंडओवर देवे बोली ना आमर तो सब थर जमी कल्चरल प्रोग्राम सब भजन समारोह को आम बेस गुरुत्व देव से बड़े 370 धारा उच्छेद वार्ता बहन कर बमिखाल पूजा तोरण जम्मू और काश्मीर प्यालेस चलो देवी आवाहन 110 फुट चौड़ा और 80 फुट रही तोरण उच्चता लंठन फितारे लागिबो स्टोन ताकु व्यवहार करिहेबो तोरणर साजसज्जा एथर भसाणीर आकर्षण साजिबो मयूर नाच जेहेतु आमर 370 उच्छेदटा भारत बर्षरे रहिछि आमे तारी उपर आधारित करिकि जम्मू काश्मीर प्यालेसटा करुछु लोकंकु जेहेतु दशाळु बहुत आडु आसुछन सारा ओडिसारु आउ आमे खास करि करुछु जोटा लंठन फिता जोड़ा पुरातन ये लंठन देह जो फिताटा लगुता है से फिता देह आम स्टोन लगे कि आट्राक्शन लोक करूँ आकर्षण साजसज्जा सह भलिकी भरी आलोकमाला सबुठ भिन्न परिवेश देवी स्वागत चली प्रस्तुति भुवनेश्वर कैमरामैन सुश्री सुलोचना शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया समय सारी न्यूज 18 महानगर खबर एति की नमस्कार।